आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर परेड का भव्य आयोजन हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड की सलामी ली। परेड की शुरुआत अलग अलग वाद्य यंत्रों के साथ हुई, जिसे 100 से ज्यादा महिला कलाकारों ने शंख, नाद, स्वरम, नगाड़ा जैसे भारतीय संगीत वाद्य यंत्र बजाकर परेड की शुरुआत की। अक्सर देखा जाता है कि बैंड के साथ होता है, लेकिन इस बार पहली बार महिलाओं ने शंख और भारतीय वाद्य यंत्र बजाकर परेड की शुरुआत की। कर्तव्य पथ पर 112 महिला कलाकारों ने ये यंत्र बजाए और सबसे खासा आकर्षण परेड का खुद महिलाएं ही रही। देश के राष्ट्रपति महिला हैं और परेड में भी महिलाओं ने एक तरह से नारी शक्ति का प्रदर्शन किया। कर्तव्य पथ पर आज की परेड में 80% करीब करीब महिलाएं शामिल थीं। कई दलों की उन्होंने उनको लीड किया, कमांडेंट पोजीशन पे थी। पहली बार तीनों सेनाओं की महिलाएं एक दल कर्तव्य पथ पर मार्च पास्ट उन्होंने किया। कर्तव्य पथ पर फ्रांसीसी सशस्त्र बलों के संयुक्त बैंड और मार्चिंग पास्ट दल के भी गवाह बने लोग। तो इस दौरान पूरे कार्यक्रम में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो मुख्य अतिथि थे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद रहे कार्यक्रम में। और 30 सदस्यीय बैंड दल का नेतृत्व कैप्टन खुर्दा ने किया। इसके बाद 90 सदस्यीय मार्चिंग दल था, जिसका नेतृत्व कैप्टन नॉयल ने किया। एक मल्टी रोल टैंकर परिवहन विमान और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल के दो रफाल लड़ाकू विमानों ने सलामी मंच से आगे बढ़ते समय टुकड़ियों के ऊपर उड़ान भरी। वायुसेना के आधुनिक हल्के हेलीकॉप्टरों ने परेड में सलामी उड़ान भरी। इसके बाद मार्चिंग दल निकले, इनमें मद्रास रेजिमेंट, द ग्रेनेडियर, राजपूताना राइफल्स के दल शामिल थे। पहली बार गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली पुलिस की ओर से परेड में सिर्फ महिला पुलिसकर्मी शामिल थी। मार्चिंग दस्ते में कुल 194 महिला हेड कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल ने हिस्सा लिया। 6 तस्वीरें आप अलग अलग देख रहे हैं। देश की शान, देश के शौर्य, देश के कौशल और प्रगति की वाहक और परिचय देती हुई ये तस्वीरें हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य कर्म न सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान में भी और थल और जल में भी, जिस तरह से हमारी पूरी मुस्तैदी से सेनाएं सुरक्षा करती हैं, उसका परिचय गणतंत्र दिवस पर अक्सर दिखाई पड़ता है। और इस बार उसमें और प्रगति देखने को मिली, खासतौर पर वायुसेना की बढ़ती ताकत का भी परिचय देखने को मिला और स्वदेशी हथियारों के प्रदर्शन पर खासा जोर रहा। चर्चा करेंगे, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान मौजूद हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नीलांश गौड़ भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। पहले रुख करेंगे राज कादियान साहब का। राज साहब, जैसे ब्रेक से पहले भी बात हो रही थी, निश्चित रूप से भारत माता कहा गया और उसी भारत में आज 75 साल बाद पूरी तरह से महिलाएं केंद्र में रहीं। देश की सुप्रीम कमांडर खुद महिला हैं, तो नारी शक्ति पूरी तरह से केंद्र में है और भारत की कमान भी बखूबी संभाल रखी है। आप क्या कहेंगे इस पर? मैं बहुत खुश हूं, नारी शक्ति में जो पोटेंशियल था उसका इस्तेमाल पहले नहीं हो रहा था, अभी हो रहा है। आज आपने देखा परेड में एक आर्मी की कंटिजेंट कमांडर मेजर खुल्लर, वो नारी है। बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, एनसीसी में नारियां लीडरशिप दिखा रही हैं। तो नारी तो हर क्षेत्र में आ गई, पहले डिफेंस में शायद कम आती थी, अभी वहां भी शुरू हो गए हैं कुछ सालों से। तो बड़ी अच्छी बात है कि देश में जो पोटेंशियल है उसका पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं, उनमें ना योग्यता की कमी है, ना वीरता की कमी है, ना निष्ठा की कमी है। जितने मेल में है उतनी फीमेल में। समाज में कुछ फर्क था, पर्दा सिस्टम था, पहले नारियों की आवाज नहीं सुनती जाती थी, वो भी शुरू हो गया है। आजकल हमारी बहुत सारे गांव में सरपंच महिलाएं हैं और उनकी जो आउटपुट है काम की वो किसी भी तरीके से मेल से कम नहीं है जी। हमारे आपने खुद कहा, सुप्रीम कमांडर खुद हमारे राष्ट्रपति हैं, वो एक महिला है, महोदया है। तो भारत तो पूरी दुनिया के सामने इसका एक नमूना पेश कर।
बिल्कुल, पहले भी था लेकिन अभी और भी ज्यादा हो रहा है। जिस क्षेत्र में अभी भी कमी है, मैं कहता हूँ जुडिशरी में शायद उनकी परसेंटेज कम है, पॉलिटिक्स में जो नेशनल लेवल पर है जी परसेंटेज बढ़ाने की जरूरत है, वो भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, लेकिन उनके जो पोटेंशियल है देश को उसका पूरा एक्सप्लॉइट करना चाहिए। वो पिछले 8-10 साल में शुरू हुआ है और इसका श्रेय पूरा सरकार को उसके नेतृत्व मोदी जी को जाता है कि जो पोटेंशियल था जो पहले बैकग्राउंड में था उसका पूरा इस्तेमाल हो रहा है। तो नारी शक्ति किसी भी तरीके से मेल शक्ति के पीछे नहीं है। इसका उदाहरण हम आजकल जो चल रही है गाजा की लड़ाई में देख रहे हैं, इसराइल की लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई कर रहे हैं, हर वो काम कर रहे हैं जो मेल कर रहे हैं। तो भारतीय नारी में किस तरीके से कमी है, उनसे कोई कमी नहीं है जी। सिर्फ पोटेंशियल को इस्तेमाल करने का वो उसका एक वातावरण पैदा करने की कमी थी, वो अभी सरकार कर रही है। तो मैं जाती तौर पर बहुत खुश हूं कि नारी शक्ति का इस्तेमाल जो पोटेंशियल था उसको किया जा रहा है और आगे शायद इससे और भी ज्यादा किया जाएगा। एक नारी जो फाइटर एयरक्राफ्ट चला सकती है, वो जहाज भी चला सकते है, वो शायद टैंक भी चला सकते जी। जो बायोलॉजिकल फर्क है उसको तो हम दूर नहीं कर सकते, वो तो प्रकृति की देन है। ये जो फिजिकल शक्ति शायद नारी में उतनी नहीं होती जो मेल में, लेकिन देश की प्रगति के लिए सिर्फ फिजिकल शक्ति ही नहीं चाहिए, मानसिक शक्ति। जो नारी घर चलाने में योगदान देती है, मैं समझता हूँ आदमी से कहीं ज्यादा है। बच्चों को संभालती है, घर को संभालती है। मैं खुद अपना उदाहरण दे दूं, कुछ हफ्ते के लिए वाइफ चले गई थी बच्चों के पास। हर दिन जब वो कहा के पूछता था कि आज दोपहर को क्या बनाना है, मुझे लगा बहुत मुश्किल डिसीजन है। नारी ऐसे ऐसे डिसीजन रोजाना सालों तक लेती आ रही। तो ये पोटेंशियल की कमी नहीं थी, एक्सप्लॉयटेशन की कमी थी, जो वातावरण की सही उसकी कमी थी, वो आजकल सरकार उसको दे रही है। सरकार जो प्रगति कर रही है, चाहे वो इकोनॉमिक फील्ड हो, चाहे वो मिलिट्री फील्ड हो, चाहे वो नारी शक्ति, चाहे वो युवा शक्ति हो, जी सर, पूरा पोटेंशियल का इस्तेमाल किया जा रहा है और भारत एक विकसित देश होने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। मैंने कहा था कि 2047 से पहले ही शायद हम दुनिया के लिए एक विकसित देश बन के, एक सुपर पावर बन के, और सुपर पावर सिर्फ मिलिट्री पावर नहीं है, उसमें आपके सामाजिक पावर भी है, आपकी इकोनॉमिक पावर भी है, आपकी डेवलपमेंट पावर भी है, हमारे हर क्षेत्र में डेवलपमेंट होगी। बिल्कुल सर, और निश्चित रूप से, और जो आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट चाहिए, सिर्फ मिलिट्री पावर ही महाशक्ति नहीं हो सकता है, इंक्लूसिव अप्रोच लेकर चलना पड़ता है। आपने समाज की बात की, आपने महिलाओं की बात की, हमारे साथ खुद नीलांश गॉड भी इस वक्त पे मौजूद हैं। नीलांश, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप तो सिर्फ संविधान पर बात करते हैं, और जो बात कर रहे थे अभी कादियान साहब की, सामाजिक विकास की भी जरूरत होती है, आर्थिक विकास की भी बात होती है, और जो फ्रेटर्निटी है, जो एक सोसाइटल लेवल पर आपस में, उसको भी बनाए रखना पड़ता है। तो जो 75 करीब 74 साल पहले जो कहा गया कि वी द रिपब्लिक पीपल ऑफ इंडिया, और जो एक संविधान अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा, बात महिलाओं से शुरू हुई है, क्योंकि आज महिलाओं की बात इसलिए कि भारत तो खुद ही माता माना गया, हमेशा से हमने माँ माना, और आज जब 75 साल में हम गणतंत्र दिवस में प्रवेश कर रहे हैं, और आज़ादी का अमृत महोत्सव जिस तरह से कहा जा रहा है, उसमें फिर से कर्तव्य पथ पर महिलाएँ ही केंद्र में दिखाई दी। अब अगर याद करें तो संविधान सभा में भी 299 सदस्य, उसमें से 15 महिलाएं थी, और आज भी 15 महिलाओं ने ही जो है कमान संभाली, 15 महिला पायलट ने। एक तरह से नारी शक्ति को सेलिब्रेट किया जा रहा है भारत में, और निश्चित रूप से अभी आधी आबादी नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से पूरी बराबरी की उनकी हिस्सेदारी है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो संविधान सभा का दौर अम्मू स्वामीनाथन से लेके सुचिता कृपलानी, सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, और अब जब हम आज देखते हैं महिलाओं को, जिस तरह से कमांडेंट कमांडर ऑफिसर का भी जिक्र कर रहे थे कादियान साहब, किस तरह का आपको
महसूस होता है। और एक संविधान को लेकर मैं खासतौर पर जानना चाह रहा था कि जो बराबरी की बात की गई थी, क्या अब हम वो हासिल करते दिखाई पड़ रहे हैं? जी धन्यवाद मनीष जी। पहले तो आपको और सभी दर्शकों को, पूरे भारतवर्ष को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जी। और संविधान के आज के दिन का महत्व मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है और भारत की संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को यह पारित हुआ और 26 जनवरी का ये दिन 26 जनवरी 1950 को ये संविधान जो है ये हमारे इस रूप में हमारे सामने आया। तो 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है जी। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि आज के दिन जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, विच इज द प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आज मैं ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सब भारतवासियों को आज के दिन इस संविधान की प्रस्तावना को जरूर एक बार पढ़ना चाहिए। और ये संविधान का वो भाग है जिस भाग का एक महत्व है। और जैसे कि आपने अभी कहा कि हम भारत के लोग से ये शुरू होता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एक द्वारा इस संविधान का अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं जी। ये भारत का के संविधान का प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है। और अगर आप इस प्रस्तावना को पढ़ें और देखें कि इसका क्या महत्व है, और जो आपने दूसरी बात की मैं उस पर आता हूं, ये बहुत गौरवान्वित करने वाला पल है कि आज देखिए कि एक मैं इससे कहना शुरू करना चाहूंगा कि या देवी सर्वभूतेषु नारी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। आज जो ये दृश्य हम देख रहे हैं, आप कितना गौरवान्वित करने वाला पल है कि नारी शक्ति का आज यहाँ प्रदर्शन है। पूरे विश्व के लिए ये एक उदाहरण है कि आप देखिए फ्रॉम द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज द ऑनरेबल प्रेसिडेंट टू ऑल द डिफेंस पर्सनल एंड पैरामिलिट्री फोर्सेज, जहां महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन पिछले सालों में इतनी बढ़ी है और दे आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो ये कितना गौरवान्वित करने वाला एक पल है और पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है और भारत जो है इसका इसमें सबसे आगे है। बिल्कुल नीलांश, और इसमें निश्चित रूप से ये खासतौर पर तब ज़्यादा मायने रखता है जब गणतंत्र दिवस के कर्तव्य पथ पर, क्योंकि बड़ा अहम प्रदर्शन भी होता है किसी राष्ट्र का जो एक बड़ी संघर्ष की दास्तां के बाद हम निकले और फिर उस कौशल और शक्ति को आज हम प्रदर्शित करते हैं, तो निश्चित रूप से ये एक भावना है। ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं है, एक जज्बा है और एक भावना है और वो प्रतिबिंबित भी होती है कि किस तरह से महिलाओं को हम आगे लेकर आए हैं उस गुलामी कालखंड से लेकर आज़ादी के बाद और फिर गरीबी से निकलकर अब हम विकसित भारत के पथ पर हैं। तो एक लंबा कालखंड हमने जिया है और संवैधानिक मूल्यों की बात जब आती है तो निश्चित रूप से वो उन मूल्यों के बिना और संविधान की जो स्पिरिट है उसको लागू किए बिना संभव है नहीं, और वो उसी की रिफ्लेक्शन है कि जो आज महिलाओं के हाथों में कमान है, कमोबेश कहें तो मोटे तौर पर उस संवैधानिक आस्था को ही बहाल करने की बात है जो हमारे संविधान निर्माताओं ने सोची, अंबेडकर ने सोची। और जिस तरह से मैं अभी जिक्र भी कर रहा था कि ये भी एक अनूठा संयोग है कि 15 महिलाएं थी संविधान सभा में, जब जो प्रस्तावना आपने पढ़ी, सभी दर्शकों के लिए मैं भी गुजारिश करूँगा कि हमें वाकई पढ़नी चाहिए सबको। और आज भी 15 महिलाएं जिन्होंने फ्रंट से लीड किया, 15 महिला पायलट्स ने, तो जो सोच थी मैं उस बात पर का जो सोच रखी गई थी वो सोच आज कहीं ना कहीं पूरी होती दिखाई पड़ रही है। और अब तो निश्चित रूप से हम विकास के पथ पर हैं, 2047 की ओर रुख कर रहे हैं जी। बिल्कुल, इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि जो जनरल साहब ने भी बात कही उसी को सेंटिमेंट को मैं एको करना चाहूंगा यहाँ। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन द वर्ल्ड
और अभी आप अगर आप देखें कि 1.3 मिलियन एक्टिव सर्विंग पर्सनल है, और हमारी ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है, डेटा मैं बता रहा हूँ, जी और सेकंड लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी इन द वर्ल्ड है, और उसमें भी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन है वो इट इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और अगर आप देखें कि 16 से 17% ये जो सरकार है वो अपना बजट जो है इस सेक्टर में उन्होंने स्पेंड किया है, विच इज अ मेजर चंक, तो इस सरकार को भी बधाई देनी होगी सबसे पहले। और ये जरूर यहाँ पे कहना बहुत जरूरी हो जाता है कि सरकार ने इसके लिए जितने भी कदम उठाए हैं वो सारे बहुत ही सक्षम कदम हैं, और ये हमारा आने वाला जो वक्त है वो इससे डिसाइड करता है। और अगर आप देखें कि FDI फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है सेक्टर में, और हमारे जो मेजर प्लेयर्स हैं जैसे जनरल साहब ने भी कहा, महिंद्रा, टाटा, दीज आर इन्वेस्टिंग, DRDO है, और हम इंडिजिनस वेपन्स बना रहे हैं, जो कितना आप ये अगर देखें कि ये 75 सालों का सफर है, और अगर आज हम इस पर रिफ्लेक्ट करें तो हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। और अगर पिछले कुछ सालों की बात की जाए तो जैसे इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, यहां बहुत अहम हो जाती है, कि जी 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जो राज्यसभा में एक ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का पेश किया, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने और राज्य विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख दो केंद्र शासित क्षेत्रों के रूप में करने का जो प्रस्ताव रखा। अब आप ये देखिए कि ये कितना बड़ा और कितना अहम कदम है, एक संविधान की दृष्टि से मैं इस पे थोड़ा सा एम्फेसाइज करना चाहूंगा इसको। और अब आप ये देखिए कि ये केंद्र शासित हो गए हैं, और अब अगर यहां पर आप डेवलपमेंट देखें इन दो केंद्र शासित जगहों पर, अब ये एक इसमें जमीन और आसमान का फर्क दिखता है, और ये इतना बड़ा कदम है जो कि भारत की अखंडता अप्रभुता को के को सक्षम करने की दिशा में एक बहुत जरूरी और बहुत बहुत जरूरी, मैं इस कदम को मानता हूं। जी नीलांश, जब बात हम संविधान की करते हैं तो जो प्रस्तावना आपने पढ़ी, निश्चित रूप से हम भारत के लोग एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कल्पना की गई उस आईन में, सबसे बड़ी जो किताब होती है, अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं इस देश में सबसे बड़ी किताब, और वाकई हम कहेंगे कई डेवलप्ड नेशन को देखे, जब अमेरिकी राष्ट्रपति शपथ लेते हैं तो बाइबल पर शपथ लेते हैं, दूसरे मुल्कों में, इस्लामिक मुल्कों में देखे, लेकिन भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर संविधान की शपथ ली जाती है, छोटे निकायों से लेकर और राष्ट्रपति के पद तक यहाँ संविधान की शपथ होती है। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी ये एक 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 तरह से कहें कि हमारी पोजिशनिंग है वैश्विक स्तर पर, जिसे हमने कभी उस तरह से पेश भी नहीं किया। संविधान में जब बात हुई न्याय की, बंधुता की, बराबरी की, आर्थिक समावेश की और इक्वलिटी और फ्रटर्निटी की, कुछ बातें जरूर उठती हैं 75 साल में, अब जब हम प्रवेश कर रहे हैं संविधान लागू होने के बाद, और जिस तरह से कादयान साहब भी कह रहे थे कि सिर्फ कानून और संविधान क्योंकि कोरी किताब तब तक रह जाते हैं जब तक वो सामाजिक स्तर पर इंप्लीमेंट नहीं होते हैं। अधिकार भी दिए गए तो कर्तव्य भी दिए गए, लेकिन जो बैलेंसिंग एक्ट करना होता है किसी भी एक, एक, एक कानून का कहें या फिर संविधान का कहें, उस बैलेंसिंग एक्ट को करने में हम कितने कामयाब रह पाएं, ये जरा मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि बात जब होती है अधिकारों के इस्तेमाल की तो उसमें हम काफी आगे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कर्तव्यों में कहीं ना कहीं अभी भी एक चुनौती महसूस होती है, जिसकी बात अक्सर प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र प्रतिष्ठा की बात हो तो हर एक नागरिक का दायित्व ही बनता है कि जो आज आपने कहा कि हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ें तो ये भी कहीं ना कहीं संकल्प लें और ये भी देखें कि हमारी क्या भूमिका है संविधान को लागू करने में। जी बिल्कुल, भाग 3 और भाग 4 संविधान की आपने बात की, फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जी तो बेसिकली इन दोनों के बीच में एक बैलेंस कायम रखना बहुत जरूरी होता है किसी भी देश के लिए, राज्य के लिए। हमारा संविधान तो सबसे बड़ा संविधान है पूरे विश्व का, और इतने उसमें अनुच्छेद हैं, इतने भाग हैं, और अगर आप उसको एक जिसे कहते हैं कि लार्जर पिक्चर अगर आप देखें तो उसमें एक चीज बहुत जरूरी है जो आपने पॉइंट आउट की कि फंडामेंटल राइट्स को की एनफोर्समेंट के लिए तो जागरूकता बहुत है और लोग आगे बढ़ के आते हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारे जो जो हम जो अधिकार के समक्ष आप रखते हैं कि हमारी जो हमारा जो कर्तव्य है वो पूरा करने के लिए हर नागरिक को, देश के हर नागरिक को, ये सिर्फ जो पॉलिटिक्स में नेताओं पे या आर्म फोर्सेस जो सब अपना काम कर रहे हैं उसके साथ साथ हमें भारत के
नागरिक होने के तौर पे ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम वो सब कुछ जो भारत के संविधान में हमें बताया गया है, जो हमारी ड्यूटीज हैं, वो हम उनका उसका पालन करें। और वो हम इस जर्नी में हम बहुत दूर आ गए हैं और हमने बहुत अच्छा सफर तय किया है। और मौजूदा सरकार को मैं फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूंगा कि बहुत अच्छी नीतियां लाई गई हैं, जिन नीतियों के कारण आज हम एक ऐसा हम देख रहे हैं कि जहां पर ये फंडामेंटल ड्यूटीज भी, हर सिटीजन इसके बारे में जागरूक हुआ है, अवेयर हुआ है, और वो अपनी इन सारी ड्यूटीज का और इनका निर्वहन कर रहा है। जी कादियान साहब, आपका रुख करेंगे, जो प्रदर्शन होता है, आपने बिल्कुल मौजू फरमाया कि ये सिर्फ कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये एक देश की कलेक्टिव स्पिरिट और उसके जज्बे का और उसके भावना का भी रिफ्लेक्शन है आज का दिन, कि हम कितनी कहाँ से आए हैं। खुद को, पास्ट को भी रिफ्लेक्ट करने का है कि हम कहाँ से निकले थे और कहाँ पहुँचे हैं और कहाँ आगे जाना है, उसको भी कहीं ना कहीं एक पथ पर, ये जो कर्तव्य पथ पर, वो मंजिल की राह भी ये दिखाता है आज का दिन। बिल्कुल, हम आमतौर पर अधिकार की बात तो कर लेते हैं, लेकिन हमारे क्या ड्यूटी बनते उसके बात नहीं करते। जी, देश तो एक ट्रेन की तरह है, ट्रेन में हर वैगन में 8 पहिए होते हैं और कुल मिला के सैकड़ों पहिए हो जाते हैं। अगर एक पहिया भी ठीक नहीं चलेगा, अलाइनमेंट ठीक नहीं होगी, तो पूरी ट्रेन में खलबली पड़ती है। सरकार कानून बना सकती है, सरकार नीतियां बना सकती है, सरकार वातावरण पैदा कर सकती है, साधन दे सकती है, लेकिन उसको अमल करना हम सबकी जिम्मेवारी। आज के दिन ये मेरी सलाह है युवाओं से भी है, जो 50% हमारे 25 साल तक कम वाली है पॉपुलेशन, जी, जो आजकल इतना इंटरनेट और सोशल मीडिया पढ़ते हैं, काफी लोग डेंजर है कि प्रोपेगेंडा से गुमराह हो जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन वो अपना समझ बूझ बरते हैं, जो उनको आंखों से विकास नजर आता है, चाहे वो इकोनॉमी में हो, चाहे वो एयरपोर्ट बनने में हो, आईआईटी जो नई बनती जा रही है उनमें हो, चाहे वो सामाजिक चेंज जो आ रही है वो भी सरकार का उसमें भी हिस्सा है, क्योंकि कानून सरकार बनाती है। तो जिम्मेवारी देश को आगे बढ़ाने की हर देशवासी की है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, जिस तरह से रक्षा करने के लिए खुद से सेना के जवान तैयार होते हैं, कभी किसी तरह से उन्हें आगे आने के लिए नहीं कहा जाता, हमारे जवान खुद, खास तौर पर कहें तो खुद इच्छा से, स्वेच्छा से, एक बड़ी सेवा, सबसे सुप्रीम सेक्रीफाइस जिसे कहा जाता है, उसके लिए तैयार रहते हैं। तो वही कहीं ना कहीं समाज को भी समझने की ज़रूरत है कि वो जो विकसित भारत का हम जब अगर सपना देख रहे हैं और बड़ा राष्ट्र बनना चाहते हैं, विकसित हम ज़रूर हो रहे हैं, तो उस मंजिल तक पहुँचने के लिए हमें क्या कुछ और किया जाना बाकी है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आगे भी कार्यक्रम जारी रहेगा।